आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। आज आपके लिए एक फिर से नया डिज़ाइन लेके आए हूँ, यानी कि गर्मियों मौसम वाला डिज़ाइन है, यानी समर डिज़ाइन। तो इसके लिए आप इसे डिज़ाइन से आप स्कार्फ बना सकती हैं, आप लॉन्ग जैकेट बना सकती हैं, इसमें भी आप समर ब्लाउज़ बना सकती हैं, मतलब बहुत तरह के चीज़ें आप इस डिज़ाइन से बना सकती हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 ply ऊन लिया हुआ है, आप यहाँ पर 4 ply ऊन भी ले सकती हैं, और क्रोशिया नंबर मैंने 1.20 mm क्रोशिया लिया हुआ है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 35 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से करते हुए 35 चेन लेंगे हम, यानी 35 चेन बनाएंगे। तो चलिए 35 चेन बना लेते हैं, उसका दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने 35 चेन बना के कंप्लीट कर लिया, और यहाँ से 4 चेन एक्स्ट्रा लेंगे हम, 1, 2, 3 और ये 4। जहाँ पे हमने उंगली रखा हुआ है, यहाँ पे 5th नंबर चेन पे 1, 2, 3, 4 5th नंबर चेन पे डालते हुए हम डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि 4 चेन हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है 35 चेन डालने के बाद। देखिए अब 3 फंदों को 3 बार निकालेंगे, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पे हमारे इसको 2 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, क्योंकि एक चेन है एक ये। इसी तरह से करते हैं 6 डबल क्रोशिया करेंगे हम, ये हो गया 3। फोर फाइव और ये सिक्स, टोटल 6 हमें डबल क्रोशिया करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से 4 चेन लेंगे हम, 1, 2, 3 और ये 4। 4 चेन लिए हमने, नीचे से काउंट करेंगे, 1 जहाँ हमने बुना हुआ है, ये जो हमने बुना हुआ है इसे छोड़ देंगे, उसके अगली चेन से हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। 4th नंबर चेन पर डालते हुए सिंगल क्रोशिया करेंगे हम, सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4। क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। 4th नंबर चेन पे डालते हुए डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया 3 फंदों को 3 बार निकालेंगे। फिर से हम फर्स्ट और लास्ट में हमें 6-6 डबल क्रोशिया रखने हैं, और बीच में जितने भी हम बनाएंगे सभी में 5-5 बनाएंगे, यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया कर लिया हमने। फिर से 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 चेन लिए, फिर नीचे से स्किप करेंगे, 4 चेन 3 चेन स्किप करना, 4 चेन में डाल के फिर हम इसमें जॉइंट करेंगे इसे सिंगल क्रोशिया से, 1, 2, 3, 4। 4th नंबर चेन पे डालते हुए सिंगल क्रोशिया से हम इसे जोड़ लेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, यही रिपीट करना है जो हमने यहाँ बनाया, सेम इधर भी यही रिपीट करेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। जब ये 5 डबल क्रोशिया बन जाए, फिर 4 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर दोबारा 4 चेन लेने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे और 3 चेन स्किप करते हुए 4 चेन पे डालते हुए डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। फिर से ये 5 लेंगे, 1, 2, 3, 4 में डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। चलिए इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट में 6-6 डबल क्रोशिया रखेंगे, और बीच में जितने भी आएंगे 5-5 रखेंगे। इसी तरह से करते हुए ये रो हमारी कंप्लीट हुई, 36 चेन डालेंगे सॉरी, तो 2 डिज़ाइन बन के हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3, इधर पलट जाएंगे, और जितने भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट और लास्ट में हमने 6-6 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, तो 6-6 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये राउंड टू है हमारी। यहाँ हमने सिक्स डबल क्रोशिया कर लिया है, 1 2 3 4 5 6। और देखिए यहाँ पे इस तरह से डिजाइन बनी हुई। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो थ्री चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब जो पहले वाली जो फोर चेन का गैप लिया हुआ था हमने, यहाँ पे जो बनाया था, यहाँ पे इस तरह से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ से फाइव चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। 5 चेन लिया हमने। और जो अगला वाला फोर चेन है, देखिए ये जो है यहाँ पे इसे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेंगे। बीच में यहाँ पे एक राउंड बन जाएगी यानी सर्कल, इसके अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो फिर से हम थ्री चेन लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, थ्री चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ जितने भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से लेते हुए। सेम यही रिपीट करेंगे उधर भी हम। थ्री डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से देखिए जैसे मैंने यहाँ बनाया, सेम इसे इधर भी वही बनाएंगे। तो थ्री चेन सबसे पहले लेंगे, 1 2 और ये 3। और जो हमने फोर चेन बनाया था ये यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे पहले इस तरह से। और फाइव चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब जो ये फोर चेन है यहाँ हमने बनाया हुआ, इसके अंदर डालेंगे सॉरी सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर से थ्री चेन लेंगे, 1 2 3। और जितने भी यहाँ पे डबल क्रोशिया सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे हम। तो जितने भी डबल क्रोशिया कर लेंगे तो इस तरह से आपकी डिज़ाइन बनेगी। अब राउंड थ्री आ गए, तो राउंड थ्री में अब क्या करना है, देखिए यहाँ हमने सिक्स डबल क्रोशिया कर लिया हुआ। क्रोशिया पे धागा लेंगे और जो बीच में जो ये गोलाई बनी हुई है इसके अंदर डालते हुए एक डबल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले थ्री चेन को थ्री बार निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम फोर चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। फोर चेन लिया हमने और जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ था इसी के अंदर डालते हुए हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पे बन रही है। तो हमने यहाँ सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बनाया हुआ, उसके बाद फोर चेन लेके फिर सिंगल क्रोशिया से इसे डबल क्रोशिया में हमने जोड़ दिया। फिर देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये टोटल हमारे इस गैप में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अभी 3 डबल क्रोशिया, फर्स्ट डबल क्रोशिया में बनाएंगे, उसके ऊपर 4 चेन लेते हुए फिर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर थ्री चेन के ऊपर फिर हम यही डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, देखिए ये डिज़ाइन। फिर से फोर चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब जी ये दिख रही है आपको डबल क्रोशिया, इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेंगे देखिए। फिर से हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। टोटल हमें इस गैप में 5 डबल क्रोशिया करना है, फर्स्ट और 3 और लास्ट 5 में हमें यही डिज़ाइन रिपीट करना है जो हमने ऊपर में चेन डाल के बनाया हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए फिर से दिखा देते हैं आपको, फर्स्ट में हमने जब बनाया, फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने चेन बना के डिज़ाइन बनाया, फिर 1 2 डबल क्रोशिया और बनाया, उसके बाद फिर ये डिज़ाइन डाला, फिर 1 2 यानी टोटल 1 2 3 4 5। लास्ट 5 वाला में हम फिर हम इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से हम यहाँ पे डालेंगे इस डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से और डालते हुए यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। देखिए अब यहाँ से क्रोशिया पे धागा लेंगे, यहाँ से कोई भी चेन नहीं लेंगे, जितने भी डबल क्रोशिया सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फाइव डबल क्रोशिया है तो 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो चलिए 5 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। फिर सेम यही डिज़ाइन फिर यहाँ रिपीट होगी, तो एक बार और दिखा देती हूँ आपको।
चलिए तो यही डिजाइन फिर से एक बार रिपीट करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनना है। मैंने फाइव डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए अभी जो बीच में गैप है यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, ये ध्यान रखना आपको। ये थर्ड लाइन चल रही है हमारी, सबसे पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस गैप के अंदर। पहला डबल क्रोशिया बनाते के साथ ही ऊपर में हम फोर चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4, और इसी डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से डालते हुए हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है हमें। अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस गैप के अंदर, इस डिजाइन को डालते हुए उसके 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल देखिए 1 2 3। अब फर्स्ट वाले में हमने ये डिजाइन डाला, अब थर्ड नंबर पे डिजाइन डालेंगे, 1 2 3 और ये 4। यानी पहले वाले में हमने ये डिजाइन डाला, फिर तीसरे नंबर वाले पे डिजाइन डालेंगे, फिर इसी तरह से सेम करेंगे, यहाँ पे डालेंगे उसे जोड़ लेंगे। अब फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर ये डिजाइन डलेगी हमारी। ये लाइन दिखा देती है आपको इस तरह से, ये टोटल हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4। एक और बनाएंगे हम, यह ध्यान रखना गैप में 5 डबल क्रोशिया ही बनाना है हमें, और पहले में और तीसरे में और पाँचवें में ये डिजाइन डलेगी ऊपर में जो है, 1 2 3 4। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कैमरे में देख के ना समझ में आए लेकिन शायद बातों से समझ में आ जाए आपको, इसलिए बार बार बोल देती हूँ आपको। तो अब जितने भी यहाँ पे डबल क्रोशिया है सभी इस तरह से लेंगे हम, और सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी थर्ड लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। चलिए तो फोर्थ लाइन में किस तरह से बनाना है वो दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए अब आपको मैं फिफ्थ राउंड बता देती हूँ, 1 2 3 4, ये फिफ्थ राउंड चल रही है। अब यहाँ पे किस तरह से बनाना है, जैसे मैंने राउंड 3 में किया हुआ था सेम राउंड 2 में सेम उसी तरह से बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद जो हमने ये 4 चेन लिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे इसे। अब यहाँ से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो 4 चेन हमने बनाया था यहाँ पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। देखिए अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। क्रोशिया पे धागा लेंगे और जितने भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए आपकी नेक्स्ट डिजाइन शुरू हो जाएगी, और फिर आप इसी तरह से बनाएं जैसे मैंने आपको बताया। और आज का डिज़ाइन आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो की नई नई वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी तरह से करते हुए देखिए हमारी डिज़ाइन ये कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत सही डिज़ाइन लगेगा, इसे कुछ भी बना सकती हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बना के रखा हुआ, ये बैक साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट और बैक कुछ भी नहीं, दोनों साइड से सेम ही दिखती है। तो चलिए फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ। थैंक यू।